हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पाकिस्तान में ही अपने नए रूल्स और रेगुलेशन ला रहा है और ट्विटर और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलेगी तो वो इन सब की सर्विसों पर बैन लगा देगा। लेकिन इन सब के बाद ट्विटर और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि पाकिस्तान हमें क्या रोकेगा, हम खुद ही अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में देना बंद कर देंगे। और आगे कहा कि हमें पाकिस्तान से इतनी कमाई नहीं होती कि उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। दरअसल हुआ ये, पाकिस्तान ने ये शर्त रखी है, ट्विटर और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इन सब के ऑफिस इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में खोलने होंगे। और आपकी जानकारी के लिए यहां बता दे, जो भी पाकिस्तान में वायलेंस करता है गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के रूल्स एंड रेगुलेशन को और इन सब को हैंडल करने के लिए इसकी पूरी टीम भारत में बैठती है। और इसलिए पाकिस्तान चिंतित है क्योंकि उसे लगता है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो कुछ भी होगा भारत के लोग उस पर दखल देते हैं और पाकिस्तान में जो कुछ भी होगा वो भारत ही तय करेगा। और हालांकि भारत की ये बड़ी ताकत है, भारत के लोग उसकी जांच करते हैं और उनके हिसाब से फैसला लेते हैं। और जब भी पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी एजेंडा चलाता है और उसी वक्त भारत के टीम के द्वारा उस चीज को टेक डाउन कर दिया जाता है और ऑन द स्पॉट उसे बैन लगा देता है। और यही कारण है पाकिस्तान अब भारत विरोधी एजेंडे चलाने के लिए पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की टीम बैठे और जो वीडियोस फेसबुक और ट्विटर पर डाली जाती है उसको रिव्यू करने वाली टीम भी पाकिस्तान की हो। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, इन सब के बाद भारत ने पाकिस्तान को रत्ती भर भाव भी नहीं दिया। और दूसरी तरफ गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान को आज एक फटकार लगा दी है। और इन सभी कंपनी का ये कहना है, पाकिस्तान हमें इतनी कमाई करके नहीं देती कि हम उन्हें अपनी बेहतरीन सर्विसेज दे पाए। और आपको यहाँ बता दे, पाकिस्तान के इंटरनेट के यूजर तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग हैं और वहीं पाकिस्तान में इंटरनेट के प्लान भारत के प्लान से काफी महंगे हैं। और अब गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों ने ये साफ कह दिया है, हम पाकिस्तान के नखरे नहीं सहन कर सकते हैं और हम भारत में ही अपनी सर्विसेज देंगे और अगर पाकिस्तान को मंजूर हो तो उसे भारत से ही सारी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी वरना ये सारी सर्विसेज पाकिस्तान में बंद हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ऐसे ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।